कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैजान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे फाइल पर, एक्सेल ओपन हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोमन फार्मूला, ऑड फार्मूला और इवन फार्मूला। रोमन फार्मूला क्या होता है? अगर आपने कुछ गणित की संख्याएं लिखी हुई है और आप चाहते हैं कि ये रोमन अक्षर में कन्वर्ट हो जाए, रोमन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उस तरह का, जैसे कि वो इंग्लिश वाले होते हैं कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह का, ठीक है। तो हमें इसको टाइप करने में बहुत समय लग जाएगा, कीबोर्ड से ये टाइप करना थोड़ा मेहनत का काम भी होगा, क्योंकि हमारे याद नहीं होगी कि 17 कैसे लिखा जाएगा, 25 कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी सुविधा भी एक्सेल बहुत आसानी से प्रोवाइड कराता है कि हम रोमन फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल लगाएंगे, रोमन लिखेंगे और हमारे पास एक जगह नंबर्स लिखे हुए होने चाहिए, वो कहीं भी हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम इसको रोमन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये इसको फर्स्ट बना दिया है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं दो को करें चेंज, तो हम यहाँ पर भी रोमन ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद ये नंबर वाली जगह देंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। तो आप इनको चाहते हैं कि ये इस तरह से नहीं, ये नीचे तक 21 के 21 कन्वर्ट हो जाए, तो आप इस फॉर्मूले को बस साइड से वही स्ट्रेच कर लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ये 21 तक गिनती लिख दी है आपके लिए इसने। हो सकता है हमारे याद ना हो कि 21 कैसे लिखा जाएगा, लेकिन ये लिख के दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रोमन की मदद से ये लिख सकते हैं, रोमन अंक, रोमन फार्मूले की मदद से। और अगर हम चाहते हैं ऑड, ऑड क्या होता है? ऑड होता है विषम। अगर हम विषम संख्याएं इसमें से निकालना चाहते हैं कि विषम संख्याएं जो हैं उनकी मुझे लिस्ट बन जाए, तो हम विषम संख्याएं इस तरह से निकाल सकते हैं। ओ डबल डी ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जहाँ से हमें विषम संख्या देखनी है उस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो जो विषम संख्या होगी वो यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देगी, सम संख्याएं नहीं दिखाई देगी इसमें, ठीक है। अब देखें, मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ फॉर्मूले को, तो ये कह रहा है एक के बाद तीन विषम हो सकती है, लेकिन दो विषम नहीं है, ठीक है। तो हम नीचे स्ट्रेच करते हैं तो तीन को, ये तीन को भी विषम बता रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रेच करते हैं तो ये कहता है कि पाँच विषम हो सकती है, चार विषम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्ट्रेच कर देंगे तो ये हमें सारी विषम विषम संख्याएं लिख के देगा, जहाँ सम लिखी हुई होंगी वहाँ पर भी कि ये नहीं हो सकती, संभावना तीन की है, ठीक है। इस तरह से संभावना चार की नहीं पाँच की है, संभावना छः की नहीं सात की है, 11 हो सकती है, इस तरह से 13 हो सकती है, 15 हो सकती है, मतलब ये हमें खाली ऑड ऑड संख्याएं देगा। ऑड होता है विषम, जो दो से ना कटे, ठीक है, ये दो से डिवाइड करने पे नहीं कटेंगी। इसी तरह से हम इवन भी निकाल सकते हैं, इवन का फॉर्मूला लगाकर इवन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और नंबर्स ये मांग रहा है फिर हमसे, ए टू हम वही देते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये कह रहा है एक नहीं हो सकती सम, ठीक है, दो हो सकती है। उसके बाद हम अगर इसको स्ट्रेच करें तो ये हमें उल्टा रिजल्ट दे रहा है, ये कह रहा है चार हो सकती है सम, तीन नहीं हो सकती, ठीक है। और ये कह रहा था कि तीन विषम नहीं है, वो तीन सम नहीं है, तीन विषम है, ठीक है। ये विषम बता रहा था और ये सम बता रहा है, ये वो बता रहा है जो दो से कट जाएंगी, ये वो बता रहा था जो दो से नहीं कटेंगी, ठीक है, और एक से 21 के बीच की ही बता रहे हैं दोनों, ठीक। इस तरह से हम इन फॉर्मूले को लगा सकते हैं। इवन के लिए इवन लगाना है और वो जगह का नाम देना है, इसी तरह ऑड के लिए ऑड लगाना है और जगह का नाम देना है। तो यही है। और अगर आप रोमन को, इसको लिस्ट को कहीं कॉपी करते हैं, मान लीजिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, तो यहाँ कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये जो है हमारा एक फॉर्मूला कॉपी हुआ है और वो फॉर्मूले की वैल्यूज़ नहीं शो हो रही हैं, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं हमारा ये लिखा हुआ ही दिखाई दे, जो ये लिखा हुआ है, तो इसको कॉपी तो करेंगे लेकिन पेस्ट नहीं कराएंगे, पेस्ट स्पेशल कराएंगे, अगर आपको लिस्ट प्रिंट करानी है तो। और वैल्यूज़ पर क्लिक करेंगे, वो फॉर्मूलाज बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं,
वैल्यूज़ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले में नहीं है, यहाँ देख लीजिए ऊपर, ये फॉर्मूले में नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आकर देखते हैं हम, तो ये फॉर्मूले में है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा हुआ है जिसकी वजह से ये दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये रहा रोमन का, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो हम इस तरह से फॉर्मूलाज को कॉपी करके खाली वैल्यू पेस्ट करा सकते हैं। इसको बंद करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के या इससे अच्छे अच्छे और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।